भारत को जब दो भागों में बांटा गया तो नफरत की मजहबी दीवार दोनों मुल्कों की आवाम के सामने आकर खड़ी हो गई और हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इस ईद के मौके पर इसी नफरत को खत्म करने के लिए और दोनों देशों के बीच अमन का पैगाम देने आए भोजपुरी फिल्मों के हर दिल अजीज स्टार पवन सिंह। दरअसल पवन सिंह ने अपनी भोजपुरी फिल्म गदर के जरिए दोनों देशों में अमन शांति कायम करने का संदेश दिया है। पवन सिंह ने इस फिल्म के जरिए ये संदेश दिया है कि बहुत हो गई दोनों देशों के बीच नफरत, अब इस आग को खत्म करने का वक्त आ गया है और ईद के मौके पर दोनों देशों के लोगों को गले मिलकर अपनी दुश्मनी को भूल जाना चाहिए। भोजपुरी फिल्म गदर अपने प्रदर्शन से पहले ही चर्चा में बनी हुई थी और फिल्म की लोकप्रियता दिनों दिन दर्शक में बढ़ती चली गई। ये फिल्म बिहार के 150 सिनेमा घरों में एक साथ ईद के त्योहार पर रिलीज हुई है। भोजपुरी सिनेमा के इतिहास में ये अपने आप में एक नया अध्याय जुड़ा है। पवन सिंह स्टारर इंदिरा फिल्म्स इंटरनेशनल इन एसोसिएट विजय लक्ष्मी फिल्म इंटरनेशनल प्रस्तुत एवं राजपूत फिल्म फैक्ट्री कृत फिल्म गदर के निर्माता भूपेंद्र विजय सिंह, बबलू एम गुप्ता और रवि सिंह राजपूत है। वहीं इस महत्वाकांक्षी फिल्म का निर्देशन रमाकांत प्रसाद जैसे काबिल डायरेक्टर ने किया है। फिल्म में पवन सिंह, नेहा सिंह, राजू सिंह माही, निधि झा और सुशील सिंह जैसे मंझे हुए कलाकारों ने अपने शानदार अभिनय की छटा बिखेरी है। फिल्म बिहार समेत देश के बाकी हिस्सों में भी दर्शकों के द्वारा खूब सराही जा रही है। धीरे धीरे ये फिल्म बड़ी हिट की तरफ भी बढ़ रही है। न्यूज रूम से एडविन अमन की रिपोर्ट।